साहब, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं। आपके पास इस सांप्रदायिकता के अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। पहली बात, भागलपुर के दंगे चले, गुजरात के दंगे 3 दिन में कंट्रोल होते हैं। भागलपुर में आप शकील साहब था, आप थे उस समय, पता नहीं, हो सकता उस समय एमएलए आप हो, मुझे नहीं, मैं तो बच्चा था, पढ़ता था। 7 दिन तक दंगे चले, इतने हजारों लोग मारे गए, सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी में 2500 लोग मारे गए, मेरठ में दंगे हुए, अभी बरेली में दंगे हुए, आसाम जल रहा था, 15 दिनों तक कंट्रोल आपसे नहीं हुआ, आप किस दंगे की बात करते हैं? आप इसी के नाम पर तो विकास को, इसी सांप्रदायिकता के नाम पर आप गौर कर दिए और वोट लेते रहे। मैं दूसरी चीज आपको दिखाना चाह बोलना चाह रहा हूं, आप जो भी नरेंद्र मोदी का होगा क्यों आप में है? आपको लगा कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी गुजरात में आए, सिस्टम इतना बढ़िया हो गया, लोग इतने लाइक करने लगे कि अब आपको लगता है कि गुजरात में तो आप पांव पसार नहीं सकते। अब आपको डर यह है कि कहीं नरेंद्र मोदी का रथ दिल्ली तक आ गया, आपको यही डर है ना, तो आप तो दिल्ली से भी साफ हो जाएंगे, आप इसलिए डरे हुए हैं। लीजिए, बोल दिए शकील साहब, प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बोल दिए रामेश्वर जी। सच बात तो शकील साहब ये है कि हमने आपको विकास करने से 40 साल में नहीं रोका। आज बिहार यूपी का विकास नहीं हुआ तो मैं नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी या सिर्फ लालू यादव जी जिम्मेवार है उसके लिए। कांग्रेस 40 साल से क्या कर रही थी? उसी बिहार में कोयला है, सारी चीजें हैं, सभी प्रदेशों में आपने इंडस्ट्री लगाए बिजली पैदा करने के लिए, आपने बिहार में हर जगह क्यों नहीं लगाए, सिर्फ झारखंड में थोड़े बहुत लगाए? हमारी ये गलतियां थी। मैं तो कहता हूं कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आपके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। नरेंद्र मोदी का विकास नहीं दिखता है। अब दंगा हुआ तो दंगे क्या चीफ मिनिस्टर कराता है? नरेंद्र मोदी जस्ट वहां गए थे, आपको भी मालूम है कि गोधरा में क्या हुआ, उसके आलोक में दंगा भड़का, 3 दिन में दंगा कंट्रोल होता है और आप ही जज भी बन जाते हैं। एक तो नियम है देश का कि जो चीजें कोर्ट में चल रहा है, आप भी पार्लियामेंट्री मेंबर रहे हैं, आप मंत्रिमंडल में बिहार में भी रहे हैं, यहां भी रहे हैं, आपको भी मालूम है कि पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कशन में भी नहीं आता है जो चीज कोर्ट में चल रहा है। आप लोग तो पब्लिकली मोदी को फांसी पर भी चढ़ा देते हैं, मोदी को गुनाहगार भी बता देते हैं, कोर्ट काहे को है, सुप्रीम कोर्ट क्यों है? सुन लेते शकील साहब का इसका जवाब। हाँ, जितना समय आपने उनको दिया है ईमानदारी से उतना समय हमको दीजिए, ले लीजिए। मैंने आपके सवाल के पहले ही कह दिया मैंने आपके सवाल के दंगे कांग्रेस के शासन में भी हुए, दंगे दूसरे पार्टियों के शासन में भी हुए, और उन दंगों पर हम शर्मिंदा होते हैं, हम उनका फेल्योर मानते हैं, हम उनको किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं है दंगा भड़काने का। नरेंद्र मोदी जी पर वो फेलियर हो सकता है, गलती किसी से हो सकती है, लेकिन जान के नरेंद्र मोदी जी ने दंगे भड़काए और दंगे करवाए, ये केवल हम नहीं मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, और इसीलिए अमेरिका उनको क्यों वीजा नहीं दे रहा है? वाल्टन में उनको कैंसिल किया गया वीजा। और जहां तक विकास की बात करने की बात है, आपके भारत सरकार का विकास लोगों ने देखा, 6 सालों तक विकास आपका देखा, आपकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का, आप कहते हैं ये राज वो राज, अरे भारत सरकार की बात है कीजिए, और आपको इस देश भारत सरकार की बात कर रहे हैं, चलिए आप बोल लीजिए। इस बार भी आपको घर बैठाने का प्रोग्राम है जनता का, इसलिए ज्यादा आपका देश के लेवल पर क्या किया ये बताइए ना, ये गुजरात में हो गया, ये देश पर बता देते हैं एक मिनट में, आपको जितनी बातें की मैं एक मिनट में बोल देता हूं, देश की बात कीजिए, और देश में आपको बैठा दिया लोगों ने घर, आपको देखा शासन में, और आपके जो मिस रूल था उसके वजह से आपको घर बैठा दिया, और आप घर बैठने वाले हैं, मैं उसी पर बता देता हूँ। गैस की कीमत क्या थी हमारे समय? एक मिनट, बोलिए आप कमल फारूक साहब, गैस की कीमत क्या थी आपके समय? पेट्रोल की कीमत क्या थी हमारे समय? महंगाई की क्या दर थी हमारे समय? आप कहाँ ले गए महंगाई को? कहाँ है पेट्रोल 32 रुपये से 76 रुपये बेचने लगे? मोदी पे रहिए, लगे आप केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में तो करप्शन का जाल ऐसा आपने बिछा दिया जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। अरे आपको ये सिंपल इकोनॉमिक्स नहीं मालूम है? चौरसिया जी, आपकी पार्टी को घर पे बैठाला,
अरे अब देखिए आप बैठने वाले हैं, ये अहंकार जो आपको हो गया ना, अगले चुनाव में आप बैठने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए, जनता ने आप बैठने वाले हैं घर अगले चुनाव में, जिस तरह के राज कर रहे हैं ना, सपना आप 2004 में भी छूट दे रखी है लूट की, उसका अंजाम भुगतते हैं। चले 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 शकील साहब और भी मेहमान है मेरे पास, 2014 में भी देखते रह जाइएगा, आप देख आने दीजिए 2014। चलिए ठीक हो गया, कांग्रेस ठीक है, कमाल फारूकी साहब दीजिए ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं, 2004 हम नहीं परेशान, मोदी जी को लेकर आप लोग हो रहे हैं, हमें रामेश्वर जी फारूकी साहब को भी सुन लेते हैं। जी फारूकी साहब, बिल्कुल नहीं है, देखिए वो तो जेब पिटाने के लिए अपनी ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि किसी का अपमान हो जाता है तो वो दूसरे तरह से कोई देख न ले। चले, इस पर भी मैं आऊंगा।